शाओमी ने जो है पिछले काफ़ी टाइम से मोबाइल मार्केट में बैंड बजा रखे, मोबाइल मार्केट की काफ़ी तबाही मचाई हुई है। बाकी कंपनियां, चलो उनके पास एक ऑप्शन था कि इन्होंने मोबाइल मार्केट में ही बनाई, तबाही मचा रखी है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो है स्मार्ट टीवी लॉन्च किए, जैसे कि काफ़ी सारी कंपनियों ने स्मार्ट टीवी लॉन्च किए, मोटरोला ने लॉन्च किया, वन प्लस ने लॉन्च किया, बाकी और तो सैमसंग वगैरह तोशिबा इनके आते ही थे। लेकिन क्या किया कि शाओमी को तसल्ली नहीं बैठी, तो उसने क्या है कि जो स्मार्ट टीवी मार्केट है उसमें भी तबाही मचा दी और कुछ तबाहीदार प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दिए, जिनकी प्राइस जो है बहुत ही अग्रेसिव है और काफ़ी मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट हैं। ऑन एन एवरेज इस प्राइस के अंदर वैल्यू ऑफ मनी रखता है। यदि यही स्पेसिफिकेशन आप किसी और प्राइस के अंदर लोगे तो आपको इसे डबल ट्रिपल पे करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हाल ही में लॉन्च हुए शाओमी के कुछ टीवीज़ के बारे में, देखते हैं कि क्या प्राइस रहेगी इनके, क्या स्पेसिफिकेशन हमें मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ों की बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं 32 इंच की LED से। सबसे पहले इसकी प्राइस वगैरह बहुत ही अग्रेसिव, मतलब कि एक मॉनिटर खरीदने जाओगे ना उतना भी नहीं है। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नई वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही देना, शेयर आप कर ही देंगे, मेरे को पता है। चलिए बात करते हैं इसके 32 इंच के। तो इसके अंदर अल्ट्रा ब्राइट LED डिस्प्ले मिल जाती है, पावरफुल 20 वोट के स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं और साथ ही में हमें जो है 70,000 घंटे का जो है वो कंटेंट इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही में इसके अंदर जो है 1 GB RAM 8 GB स्टोरेज भी दिया गया, ये एक अच्छी बात है। 1 रिमोट कंट्रोल फॉर सेटअप एंड योर TV, ये भी दूसरी अच्छी बात है। इसके अंदर जो है हमें Amazon Prime और Netflix का सपोर्ट इसके अंदर दे दिया गया है। इसके अलावा यदि इसकी बात करें रेजोनेंस की, तो इसके अंदर जो स्क्रीन रेजोनेंस है वो है 1366x768 और इसके अंदर जो है रिफ्रेश रेट है इसकी 60 Hz और व्यूइंग एंगल है इसका 178 डिग्री, यानी व्यूइंग एंगल परफेक्ट है। रिस्पॉन्स टाइम है इसका 6.5 ms, यानी 6.5 माइक्रो सेकेंड। और इसके यदि पोर्ट की बात करें तो हमें इसके अंदर 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, 2.0 पोर्ट देखने को मिलेगा, AV पोर्ट मिल जाएगा, ईयरफोन आउट मिल जाएगा एक, इसके अंदर HDMI 3 पोर्ट हमें मिल जाएंगे, इथरनेट पोर्ट मिल जाएगा और वाईफाई इसके अंदर 2.4 Hz वाईफाई दिया गया है। इसके जो है नेक्स्ट TV के बारे में, जो कि हमारे पास अवेलेबल है 40 इंच के अंदर MiTV 4A, इसकी प्राइस मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। इसकी प्राइस है 17,999 रुपये इसकी प्राइस है। अगला जो TV जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है MiTV 4X 43 इंची। इसके अंदर हमें क्या क्या मिल पाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर अलग देखने को मिलेंगी, जैसे कि इसके अंदर हमें 4K HDR10 डिस्प्ले मिल जाएगा, 10 बिट डिस्प्ले है, VVD पिक्चर इंजन इसके अंदर मिल जाता है और वो स्पीकर 20 वोट के रखे हुए। स्पीकर थोड़ा सा शाओमी को इम्प्रूव करना चाहिए था लेकिन इसने स्पीकर को इम्प्रूव नहीं किया। डेटा सेवर मिल जाता है, गूगल असिस्टेंस मिल जाता है, 4K कंटेंट पैच वाल हमें इसके अंदर मिल जाती है और इसके अंदर लिखा गया है कि क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्वालिटी, 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले, Dolby DTS HD। और तो इसकी प्राइस जो रखी गई है वो बड़ी ही मस्त प्राइस इसकी रखी गई है। इसकी प्राइस है 24,999 रुपये इसकी प्राइस होने वाली है। और ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ना, ये आपको अवेलेबल हो पाएंगे मिडनाइट को 29th of September के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिल पाए। अगले जिस TV की बात करने वाले वो है MiTV 4X 50 इंच। इसके अंदर जो है तकरीबन सारे फीचर सेम ही हैं। इसके अंदर इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 29,999 रुपीज़, यानी तकरीबन 30,000 की कीमत के अंदर जो है हमें 50 इंच का LED TV मिल पाता है। सेम 20 वोट स्पीकर इसके अंदर यूज़ किया गया, ब्लूटूथ 4.0 ही आपको देखने को मिलेगा और नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारी चीज़ आपको दे इसके अंदर। अभी जो अगले TV की जिसके बारे में हम बात करने वाले वो हम बात कर लेते हैं MI 4X TV 55 इंच और 65 इंच के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 65 इंच के बारे में। तो 65 इंच की जो प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो प्राइस काफ़ी अग्रेसिव है, मतलब कि 65 इंच यानी 65 इंच का LED TV 4K
HDR10 डिस्प्ले के साथ में और स्पीकर थोड़ा सा अड़क है मैं मानता हूँ। ये हमें जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा 54,999 रुपये की एग्रेसिव प्राइस के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो प्राइस जो है वो बड़ी शानदार है, मतलब कि एक 65,000 65 इंच का टीवी यदि आप लेने जाओ किसी और अदर कंपनी का ब्रांडेड लाइक सैमसंग तोशिबा वगैरह, तो आपके 1.5 लाख रुपये तक का आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये था Xiaomi के कुछ TVs के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, TVs आपको पसंद आए होंगे। यदि आप इस प्राइस के अंदर कोई TV लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा और Xiaomi का TV आपको कैसा लगा ये आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्दी से मदद कीजिएगा हमारी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।